जनपद हरदोई में बेनीगंज कोतवाली के प्रताप नगर चौकी के अंतर्गत बरगदिया के पास गोमती नदी के किनारे एक लाश मिली है। आपको बता दें, अभिषेक पुत्र अनिल कुमार पासी ग्राम कन्हैया खेड़ा उम्र 27 वर्ष अभिषेक गोंडा राव में पोस्ट मास्टर के पद पर थे। दिनांक 13 को कुइयां डाक लेने के लिए घर से निकला था, तब से वह घर वापस नहीं गया। आज उसकी मोटरसाइकिल बरगदिया पुल के पास खड़ी देखी गयी। उसके बाद घर वालों ने वहीं के पास गोमती नदी के किनारे अभिषेक का शव मिलने से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस को सूचना मिलने पर पहुंच कर शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट, हरदोई। भारत सरकार द्वारा चलाए गए स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ठेकमा चिकित्सा अधिकारी रमेश सोनकर की अध्यक्षता में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आशा बहुओं को बुलाया गया और उन्हें प्रशिक्षित किया गया। मुख्य रूप से मां के दूध द्वारा बच्चे का पालन पोषण बताया गया है। चिकित्सा अधिकारी सोनकर ने सभी आशा बहुओं को विशेष रूप से यह समझाया कि मां का दूध ही सर्वोत्तम दूध है। बच्चे के पूर्ण विकास के लिए मां के दूध में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। मां के दूध के अलावा जो भी उत्पाद बच्चे को दिए जाते हैं वह आजीवन कुछ न कुछ तकलीफदायक रहते हैं, इसलिए माताओं को मां के दूध के अलावा किसी भी अन्य उत्पाद से निर्भर न रहकर सिर्फ अपने स्तनपान द्वारा ही शिशुओं का पोषण करना चाहिए। 2 साल तक बच्चों को विशेष रूप से मां का ही दूध देना चाहिए, सर्वोत्तम पोषण है। इस संसार में मां के दूध जितना सुरक्षित और पोषक शिशु के लिए कोई भी आहार नहीं है, इसलिए हमें इस प्रकृति की अनमोल देन का सम्मान करना चाहिए और अपने शिशुओं को मां का दूध पिलाया जाना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी द्वारा पानी के शुद्धिकरण पर भी बल दिया गया। मौसम के द्वारा आपदा का रूप लेने पर जल दूषित हो जाने का संकेत आ गया है, इसलिए पानी को उबाल कर पीना चाहिए अथवा क्लोरीन का इस्तेमाल करना चाहिए। संभव हो तो इंडिया मार्का नल द्वारा पानी का उपयोग करना चाहिए। वो बच्चे के लिए बिल्कुल हानिकारक है। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? माँ के अंदर जैसा कि उन्होंने बताया, वेद और कैसी, वेद और कैसी के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। दोनों का एक माँ के अंदर जो कंसेंट्रेशन होता है, जो रेस्क्यू होना चाहिए, वो गाय और भैंस में नहीं मिलता है। अगर माँ के अलावा और भी कोई चीज देते हैं तो उनकी जो आंखें होती हैं उसमें सूजन तक, छोटी छोटी बात है, सूजन हो सकता है, क्योंकि अक्सर उनको जो कई तरह थक जाने चाहिए बेबी को, वो अगर अधिक पहुंचते हैं तो उनके। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राजेश सिंह की रिपोर्ट, आजमगढ़। नवाबगंज क्षेत्र में स्थित कटरा कुटी पीठ धाम पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन उत्सव, गुरु दीक्षा व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पीठ के महंत स्वामी चिन्मयनंद ने ब्रह्मालीन संत सुंदरदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पाचन कर प्रारंभ किया। तत्पश्चात पीठ से जुड़े सैकड़ों शिष्यों ने महंत गुरु स्वामी चिन्मयनंद जी का माल्यार्पण, आरती के साथ अंग वस्त्र व अन्य दक्षिणा स्वरूप वस्तुएं भेंट करते हुए पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर उपस्थित सैकड़ों भक्तों में दर्जनों शिष्यों ने भजन व अन्य वक्तव्य के माध्यम से गुरु की महिमा एवं गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला। गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष पंडित परशुराम शर्मा ने कहा, मनुष्य के जीवन में गुरु का सबसे बड़ा स्थान है। बिना गुरु के मनुष्य अज्ञानता की ओर अग्रसर हो जाता है। हिवा के जिला अध्यक्ष शारदा कांत पांडे ने कहा, मेरा जीवन गुरु के सेवा में समर्पित है और मैं सदैव अपने गुरु के आदेश अनुसार ही समाज के कार्य में लगा रहता हूँ। विनोद कुमार गुप्ता ने कहा, बिना गुरु के मानव मात्र के कल्याण की कल्पना मिथ्य है, तथा आगे गुरु एवं महर्षि वेद व्यास जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, अर्थात जो महाभारत में नहीं कहा गया वो भारत वर्ष में किसी ने नहीं कहा। ऐसे विशाल प्रतिभा के धनी समस्त वैदिक संस्कृति के जन श्री वेद व्यास जी हैं। तो खूब किया, खूब कमाया, खूब खर्चा किया, लेकिन गाड़ी पे हिसाब, जिसका हिसाब नहीं साफ होगा वो संसार से छुट्टी नहीं पाएगा। और हिसाब साफ करने की एक सीमा तय कर दिया, 50 वर्ष की अवस्था तक हिसाब साफ करके भगवान से लो ली बनवा लो कि तुम सृष्टि के किसी के भी करदार नहीं हो, किसी के बकायेदार नहीं हो। बहुत साफ जिंदगी जीने का अभ्यास किया है, जिसका जो था वो हिसाब तुमने साफ किया है। राम जी ने भी सिर्फ यही भक्ति की थी, जिसका जैसा भी हिसाब था
राम जी ने उसका हिसाब उसके घर जाके दिया। अरे सबरी का हिसाब विश्वास किया, सबरी के घर जाके दिया। ये नहीं बताया कि सबरी अभी तो मैं घर से खुदा निकला हूँ 14 वर्ष वनवास के लिए, और जब राजा बने अयोध्या में तब आना सबरी, तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ है, अन्याय करेंगे और तुम्हारा हिसाब साफ कर देना। सबरी का हिसाब सबरी के हाथ में भेजा के दिया। एक शब्द से सबरी का हिसाब राम जी ने कर दिया। और हम राम के द्वारी है, अपना हिसाब कोई मांगने हमारे दरवाजे तक आता है, हम उससे कहते हैं कि ऐसा हिसाब कब का हिसाब। और राम जी ने क्या किया, हमारे बाप का भी अगर हिसाब है, हमारे बाबा का भी हिसाब है, 165 पीढ़ी का भी हिसाब है, तो पूरे खानदान का रघुवंश का हिसाब साफ करने आया हो। और जिसका जैसा हिसाब होगा उसका हिसाब उसके घर जाके दूंगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विपिन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। पीलीभीत माधव टांडा क्षेत्र के गांव मैनाकोट लड़की आरती देवी के साथ बलात्कार किया गया, जिस लड़के ने घर में घुस के लड़की के साथ सुबह 4 बजे के टाइम लड़की के घर पर जाकर उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उसके बाद मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया। लड़के का नाम समीम खान, पिता का नाम बाबू खान, ये मैनकोट का रहने वाला है और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है और लड़की वालों पर फैसला करने का दबाव बना रही है और लड़की का बाप नहीं है, माँ और लड़की घर पर अकेले रहते हैं। आपका नाम क्या है? आरती। आपके पिता का? तौले राम। आपके गांव का? मैनाकोट। आपके साथ क्या क्या हुआ? मैं 4 बजे सो रही थी खटिया पे, तो अजीम नाम का लड़का आया, तो उसने कहा मेरा मुंह दबाया, मुंह दबा के गलत काम किया, फिर मैं चिल्ला पड़ी, तब मम्मी उठी, मम्मी ने उसे पकड़ लिया और पकड़ के वो भाग गया गाली गलौज करके। उसका नाम क्या है लड़के का? अजीम। उसके बाप का? बब्बू। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नवीन अवस्थी की रिपोर्ट, पीलीभीत। कोतवाली व तहसील लालगंज के ग्राम गोगुमाओ के निकट से होकर लोन नदी के नाम से जानी जाती है और बरसात होने के कारण तेज रफ्तार से बह रही लोन नदी में आज गांव के लोग स्नान करने गए थे, जिसके कारण नहाते नहाते 20 धारा में चले गए और 2 लोगों की उसी नदी में डूबकर मौत हो गई। आसपास और क्षेत्र में हड़कंप मच गया और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कोतवाली प्रभारी विनोद सिंह तुरंत गोताखोर और अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच कर नदी में कूद कर सबको ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज और इतना गहरा होने के कारण मृतक युवकों का शव अभी तक नहीं मिल पाया। यहां तक कि कोतवाली प्रभारी लालगंज विनोद सिंह ने भी अपनी वर्दी उतार कर नदी में कूद गए, लेकिन दोनों युवकों का पता नहीं चल पा रहा है। नदी के किनारे आसपास गांव के लोगों का तांता बंधा हुआ है और क्षेत्र में काफी सनसनी फैली हुई है, अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। पब्लिक और शासन प्रशासन भी परेशान है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद साकिब के साथ राजेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, लालगंज रायबरेली।